हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे को आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है जवाब देना। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम टेस्टी डिलीशियस सी ये रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आप जब बाहर जाते होंगे तो आपने पनीर टिक्का तो बहुत ही बार खाया होगा, तो आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का पनीर टिक्के की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे अचारी पनीर टिक्का। और फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में इसको हम बना लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेस्टी डिलीशियस और चटपटे से स्नैक की रेसिपी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का जवाब देना। और फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो पनीर लिया है और ये बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट पनीर है। तो इसको देखिए, हम बड़े बड़े ऐसे पीसेज में कट कर लेंगे। आप चाहें तो वैसे छोटे पीसेज भी कर सकते हैं, लेकिन पनीर टिक्का में बड़े बड़े पीसेज अच्छे लगते हैं। और मैं जो आज पनीर टिक्का बना रही हूँ, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज और शिमला मिर्ची ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं और वो है अचार। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो पनीर टिक्का बनाऊंगी, अचारी पनीर टिक्का बनाऊंगी, वो सच में अचार से ही बनाने वाली हूँ मैं। यहाँ देखिए, मेरे पास ये अचार का मर्तबान है और ये अचार की रेसिपी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने चैनल पर डाली है। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और ये इतना टेस्टी बना था कि देखिए, थोड़े से दिनों में ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने 1.5 किलो के करीब ये अचार बनाया था और ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है। तो इसके बॉटम में जो देखिए मसाला है, उससे हम आज ये अचारी पनीर टिक्का बनाएंगे। इससे जो स्वाद आएगा जो पनीर टिक्के में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मसाला ले लिया है। आपको मसाला लेना है, केरी नहीं लेनी है। और ये वाला जो टिक्का है, आप किसी भी तरीके के अचार के मसाले से बना सकते हैं। मिर्ची का हो गया, लहसुन का हो गया, या फिर केरी का हो गया, किसी भी तरीके के अचार के मसाले से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल भी साथ में लिया है अचार का, क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा सा फ्लेवर भी इन्हेंस होगा और साथ के साथ जो पनीर टिक्का है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा हमारा। तो हमको एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैंने मसाला ले लिया है और ये कम से कम मैंने 1.5 से 2 चम्मच के करीब अचार का मसाला लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाला है और 2 चम्मच के करीब ही मैं इसके अंदर बेसन डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा, इसके अंदर क्रंचीनेस आएगी जो पनीर टिक्के में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ के साथ बेसन से टेस्ट आएगा। तो इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और नमक डाल देंगे हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार। और ये देखिए, बिल्कुल सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा कुछ मसाले इसमें मैंने ऐड नहीं किए हैं और बहुत ही सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम सिंपली मिक्स कर देंगे और पनीर में क्योंकि थोड़ा बहुत पानी होता है तो इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाला अपने आप से ही पनीर में चिपक जाएगा। और जो अचार का मसाला था उसमें भी थोड़ी सी लिक्विड था वो भी, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा आपस में लगा लिपटा सा हो जाएगा। अगर आपको सूखा लगे तो वो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बिल्कुल छींटे मारने हैं पानी के। और देखिए, इसको अभी हम ढक के 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये हमारा जो पनीर है अच्छे से मैरिनेट हो गया है अचार के मसाले में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब बना लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। वैसे तो पनीर टिक्का होता है वो तंदूर पे बनता है, लेकिन आप चाहें तो कढ़ाई पे बनाइए, आप चाहें तो तवे पे बनाइए। घर पे तंदूर अवेलेबल नहीं होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल तेल डाला है और अब हम इसके अंदर अपना पनीर टिक्के को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं एक एक करके पीस इस पर डालती जाऊंगी और उसको हम दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे। और क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन और कॉर्नफ्लोर डाला है तो इसकी जो स्किन है वो क्रिस्पी हो जाएगी और जो अचार है उसके अंदर भी थोड़ा सा तेल है अचार के मसाले में
और बाहर से भी थोड़ा सा तेल डाला है, तो ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, और अब इनको मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। और दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे हम। वैसे आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरीके से शैलो फ्राई कीजिए, बहुत ही कम तेल के अंदर बस सेक लीजिए इसको। इसका इतना अच्छा चटपटा टेस्ट है कि ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फ्राई करने की हमको इसको, तो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा ये, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बटर में भी फ्राई कर सकते हैं, तेल न डाल के बटर डाल दीजिए। और ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। आप इसको प्याज के लच्छों के साथ, हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी है और बहुत ही चटपटे हैं, बिल्कुल ही अलग स्टाइल का ये पनीर टिक्का बन के हमारा तैयार हो गया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स मेरे तो आ रहा है मुंह में पानी, और अभी बरसात होने वाली है, बाहर बरसातों का सीज़न चल रहा है, तो इस बरसात के सीज़न में आप भी ये चटपटा सा टेस्टी सा स्नैक बना के इंजॉय कीजिए। आई होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 एक बार ट्राई कीजिए मेरी रिकमेंडेशन पर, और ट्राई करें तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे बना के इंजॉय कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आपके लिए लेके आती रहूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।